नवरात्रि एवं दीपावली पर विशेष छूट। जन समय दे रहा है नवरात्रि एवं दीपावली पर विज्ञापनों में भारी छूट। अब जन समय न्यूज चैनल पर आपके दुकान प्रतिष्ठान एवं कार्यालयों के विज्ञापनों में गिरावट। नवरात्रि एवं दीपावली पर निजी संस्थान प्रतिष्ठान दुकानों का विज्ञापन दीजिए और करिए आकर्षित। तो जल्दी संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर है 9587949393। नमस्कार, जालोर जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा कंसारा ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच ने किया पद बाल ग्रहण। हेल्प इंडिया परिवार ने नेशनल प्रेसिडेंट से की मुलाकात। माताजी मंदिर में की गाइडलाइन की पालना। रामसिंह में कल रहेगी विद्युत सप्लाई बंद। सरपंच कंवर ने किया सीसी सड़क का निरीक्षण। एबीवीपी द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित। अब समाचार विस्तार से, विभिन्न ग्राम पंचायतों में सरपंच ने किया पद भार ग्रहण। राजसिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार राम से निकटवर्ती ग्राम पंचायत थूर गांव में रविवार को सरपंच कर्मी राम भील ने पद भार ग्रहण किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमेशा ग्राम वासियों की किसी भी समस्या को लेकर हर पल उनके साथ रहूंगा और सरपंच पद हेतु मेरे को ग्राम वासियों ने सरपंच पद हेतु विजय बनाया, इसलिए तहे दिल से ग्राम वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर हितेंद्र सिंह थूर, गोपाल भारती महाराज थूर, जसवंत सिंह उप सरपंच, श्रवण सिंह सिंधरा पूर्व सरपंच पहाड़ सिंह व समस्त वार्ड पंच ग्रामीण ग्राम पंचायत थूर व सिंधरा ग्रामीण उपस्थित थे। इसी तरह यूनुस खान की रिपोर्ट के अनुसार बीमा निकटवर्ती पावली ग्राम पंचायत के नव निर्वाचन सरपंच करताराम चौधरी ने आज दोपहर 12:30 बजे सुंदरलाल ग्राम विकास अधिकारी से सरपंच का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर समस्त पंचायत क्रामिक, समस्त निर्वाचन वार्ड पंच गण, जन प्रतिनिधि, कर्मचारी गण एवं ग्रामवासी उपस्थित हुए। कार्य ग्रहण के समय सरपंच ने पावली ग्राम पंचायत के विकास में पूरा सहयोग का आश्वासन दिया तथा समस्त ग्रामीणों को सहयोग देने के लिए आभार प्रकट किया। इसी प्रकार उमेश सिंह की जानकारी के अनुसार साचौर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बावड़ला में नव निर्वाचित सरपंच राय सिंह राम चौधरी ने रविवार को ग्राम पंचायत भवन पहुंचकर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि विकास को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी हरदेव पालीवाल, ग्राम सहायक धीमा राम, नारायण सिंह डूडसन, मनोहर सिंह बावड़ला सहित कई ग्रामीण मौजूद। हेल्प इंडिया परिवार ने नेशनल प्रेसिडेंट से की मुलाकात। समर्थराम सुदेसा की रिपोर्ट के अनुसार हेल्प इंडिया परिवार के जिला सदस्य फौजा राम राणा, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र भिनमाल व समाज सेवक विक्रम तिलोड़ा, सायला ब्लॉक से एवं बाड़मेर के जिला सदस्य हेल्प इंडिया परिवार के श्रवण कुमार मेहरा दौरी मीना ने मैना भवन सिंधिरी में नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय मूल निवासी संघ नई दिल्ली के तारा राम जी मैना से मुलाकात की। मैना ने हेल्प इंडिया परिवार के इस मुहिम को सराहनीय कार्य बताते हुए कहा कि आज इस पूरे भारतवर्ष में बेरोजगारी व आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, इसको बताते हुए हेल्प इंडिया परिवार के कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व व्यापार में मदद करता हूँ। भारतवर्ष में बढ़ रही बेरोजगारी को देखते हुए हर व्यक्ति अपना स्वयं का स्वरोजगार कर भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग प्रदान करने की बात है। माताजी मंदिर में की गाइडलाइन की पालना। समर्थराम संदेशा की रिपोर्ट के अनुसार उंदड़ी गांव में खेड़ा माताजी के मंदिर एवं घरों पर नवरात्रि के शुभ मुहूर्त में मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर 9 दिन तक सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना की जाएगी और साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए आए श्रद्धालु को सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन की पालना की जाएगी। इसी सेवा के मौके पर अशोक कुमार संदेशा मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला जारी का वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नवरात्रि एवं दीपावली पर विशेष छूट। जन समय दे रहा है नवरात्रि एवं दीपावली पर विज्ञापनों में भारी छूट। अब जन समय न्यूज चैनल पर आपके दुकान प्रतिष्ठान एवं कार्यालयों के विज्ञापनों में गिरावट। नवरात्रि एवं दीपावली पर निजी संस्थान प्रतिष्ठान दुकानों का विज्ञापन दीजिए और करिए आकर्षित। तो जल्दी संपर्क करें, हमारे मोबाइल नंबर है 9587949393। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रामसिंह में कल रहेगी विद्युत सप्लाई बंद।
राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार रामसिंह कस्बे के डिस्कॉम विद्युत विभाग JEN पवन मीणा की जानकारी के अनुसार कल 33 KV GSS मांडोली नगर रखरखाव के कारण सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी, जिसमें रामसिंह, मांडोली, खेड़ा, जाक, बिटन, रतपुरा, भूतवास, पूनक आदि गांव में विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। सरपंच कंवर ने किया सीसी सड़क का निरीक्षण। भरत चौधरी की रिपोर्ट के अनुसार कस्बे के उद्देश्यों का वास में निर्माणधीन सीसी सड़क का शनिवार को शैला सरपंच रजनी कंवर ने निरीक्षण कर ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जानकारी के अनुसार उद्देश्यों का वास स्थित वार्ड संख्या 17 में ममता राजपुरोहित के घर से राम द्वारा चबूतरा तक ग्राम पंचायत द्वारा करीबन 8 लाख रुपए की लागत से सीसी सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका सरपंच रजनी कंवर ने निरीक्षण कर ठेकेदारों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही सड़क निर्माण के दौरान गंदे पानी एवं बारिश के पानी की निकासी के लिए पर्याप्त ढलान देने की बात कही। इस दौरान पूर्व उप सरपंच विक्रम सिंह दहिया, वार्ड पंच मुल्तान मल आचार्य, दलपत सिंह राजपुरोहित, मंगल सिंह आदि उपस्थित रहे। ABVP द्वारा कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित। भरत सोनी की रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सिद्धि विनायक गणेश नाड़ी में संचालित परिषद की पाठशाला में कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री मोहनलाल देवासी ने कहा कि कन्या पूजन का कार्यक्रम मन को संस्कारित, कार्य करने का मन को विकृतियों से बचाने का माध्यम है। बचपन से ही नारी सम्मान का भाव बढ़ जाएगा तो विद्यार्थी बड़े होने के बाद भी इन विकृतियों से बचे रहेंगे। कन्या पूजन नारी सम्मान की शिक्षा देने का एक सार्थक प्रयास है। जिला संयोजक अंकित दुआ ने बताया कि कन्या पूजन के पश्चात सभी बालिकाओं को शिक्षण सामग्री वितरित की। इस मौके प्रांत SDFD संयोजक अंकित दुआ, नगर मंत्री महिपाल सिंह, नगर सह मंत्री भाविन व्यास, इकाई अध्यक्ष मान सिंह समेत कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसभा की खबरों फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय जालौर।